वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी आज फिर से आपकी जो फ्राइडे की दिन जो तेजी थी उसी को कंटिन्यूस देखने को मिला है। 9.75 रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक। 25 पैसे अप है, 2.65% की तेजी देखने को मिले आज सुजलॉन स्टॉक के अंदर। मीन्स तकरीबन यहाँ पे देखोगे तो देख सही प्रीवियस क्लोजिंग थी 9.45, आज ओपन हुआ स्टॉक गैप अप से ओपन होने के बाद एक तेजी भी देखने को मिली थी। ऊपर तक चला गया था तकरीबन 9.90 यानी कि 10 लेवल तक चला गया था। 10 लेवल के पहले ही रजिस्टर्ड एक्ट हुआ और वही से गिरावट देखने को मिले। तो रिसेंटली 9.50 सपोर्टिव एक्ट हो सकती है लेवल और थोड़ा नीचे भी आता है तो स्टॉक। तो रिसेंटली देख सकते कि मार्केट कैप जो है यहाँ पे 14,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। पी रेशो 4.54 का है। 52 वीक हाई देख सकते हो कि 12 के करीबन है। तो वहां तक जाने के यहाँ पे चांसेस उपलब्ध होते हैं वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी बढ़ता है स्टॉक के अंदर तो यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन एक तेजी के साथ 12 लेवल तक जा सकता है और ब्रेक करने के चांसेस भी दिखाई दे सकते हैं। लास्ट फ्राइडेज में भी स्टॉक ने एक 6% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम की बात किया तो 6,63,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है मॉर्निंग सेशन में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 6,428,00,000 के है। मीन्स तकरीबन यहाँ पे देख सकते बाइंग के लिए 2,37,00,000 क्वांटिटी है। तो सेलिंग के लिए जो है 4,28,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। सेलिंग के लिए जो क्वांटिटी है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसी की वजह से सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो क्वांटिटी जो ट्रेडेड है यहाँ पे 6,22,00,000, उसमें से 2,87,00,000 डिलीवरी के लिए जा चुके। कुल मिला के देखा जाए तो 46%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिले। मीन्स इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देख सकते कि 9 लेवल को पहले ब्रेकआउट किया और फिर 9.50 लेवल भी एक रेजिशन उसको भी ब्रेकआउट देते हुए ऊपर तेजी दिखाई दे रहा है। मंथली जो प्यूट है 9.80 पे देख सकते उसको ब्रेक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो 10 लेवल देखने को मिल सकती है।